अभी हमने ले लिया टिकट, ये है टिकट। तो बेसिकली ये बोट की टिकट है और हमें जाना है एलिफेंटा केव्स, तो वहाँ जाने के लिए, तो वहाँ जाने के लिए दो टिकट हैं, एक टिकट है 145 की और दूसरी टिकट है 200 की। मैंने लिया 200 वाली। तो 200 वाली में क्या है कि जो बोट है उसमें दो फ्लोर हैं, तो सेकंड फ्लोर पे जब हम बैठ के थोड़ा सा, जिसको अच्छे फोटोग्राफ्स निकालने हैं उसके लिए थोड़ा अच्छा, एक अलग इन्जॉयमेंट है। अगर आपको डांस करना है जो, तो भी आप वो यूज कर सकते हैं। तो इट्स ऑन यू कि आप कौन सी वाली टिकट लेते हैं। सो अभी हम ले रहे हैं बोट। ये हमारे साथ में सर हैं, मिस्टर सत्या। हेलो, सत्या नंडेला के भाई हैं। तो बोट पूरी ऑलमोस्ट पैक हो चुकी है। दोस्तों अभी हम बोट से उतर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं पैदल। बाकी अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो यहाँ से एक मिनी ट्रेन चलती है जो 10 रुपये लेती है, और उस मिनी 500 मीटर की, हाँ 500 मीटर की डिस्टेंस है। और आपको दिखाता हूँ, ये हमने ले ली है टिकट एलिफेंटा केव्स के लिए। बीवेयर ऑफ मंकीज, भैया मंकीज से सावधान रहें। और ये ड्रिंक फेंटा, फेंटा बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। आप भी साथ में अगर बंदरों से प्यार करते हैं तो साथ में लेके आ सकते हैं और इन्हें पिला सकते हैं। बड़े प्यार से पी रहा है, देखो भैया। अगर प्रेम देखना है ना तो इन बंदरों का देखो। तो भैया अभी स्टेप्स हैं वो चढ़ रहे हैं, तो हमें 120 स्टेप्स हैं वो कवर करने हैं। हम ऑलमोस्ट 50 स्टेप्स तो कवर करके आ चुके हैं। अगर हम नॉर्मली पैदल चलते हैं, पैदल के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, तो हमें 15 मिनट्स लगेगा। तो भाई लोगों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टिकट लेते हुए दिखाया था कि मैं टिकट ले रहा हूँ 5 रुपये की। वो ग्राम पंचायत टैक्स था, वो टिकट नहीं थी। जो केव में जाने के लिए जो टिकट है वो अलग है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। 40 रुपये की टिकट है, फॉरेनर्स के लिए 600 है। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दी हुई है। भैया पानी वानी पीना है तो यहाँ से पी सकते हैं आप। हमारा फोटो निकाल।
बढ़िया टिकट लेके आ चुके हैं। तो भैया काफ़ी देर से चले हुए थे एलिफेंटा केव जो देखने के लिए, सो फाइनली हम केव पे आ चुके हैं। यह है केव का नज़ारा। सो केव वन है वो हो चुकी है कंप्लीट, अभी हम बढ़ रहे हैं केव 2, 3, 4, 5 की तरफ। ये है लास्ट केव नंबर 5। सो ये केव नंबर 5 के अंदर है। सो दोस्तों केव है वो कंप्लीट हो गई है। कुछ एडवाइस देना चाहूँगा आपको, एक तो यहाँ पे मंकीज़ बहुत हैं बंदर, तो उनको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, और अगर आपके साथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक है या कुछ भी फ्रूट्स हैं साथ में तो वो आप बैग में डाल लें, अदरवाइज वो स्नैच करेंगे और स्नैच करेंगे तो आपको चोट आ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आएँ तो अर्ली मॉर्निंग आएँ या इवनिंग में आएँ, लेकिन एग्जॉस्ट होकर नहीं आएँ। पहले से आप थके हुए होंगे तो फिर आप यहाँ पर इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास पहले से एनर्जी होगी देन यू कैन एंजॉय हियर। 5 की 5 केव हैं जो विजिट कर चुके हैं, और अभी वापस जाएंगे बोट से, और ऑलमोस्ट 1 आवर लगेगा। अब नेक्स्ट इन्जॉयमेंट है वो बोट में करने वाले। एक टिप है वो आपको मैं देना चाहूँगा, अभी हम वापस लौट के आ चुके हैं और अभी हम बोट पे ही हैं, तो जैसे ही हम एलिफेंटा केव से वापस आते हैं तो जब हम पहुंचते हैं तो सामने अपने ताज है और जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये दिखाई देता है। तो अगर आपको फ़ोटोग्राफ्स लेनी हैं तो यहाँ पे आप बोट से अच्छी फ़ोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया है उसके सामने पब्लिक काफ़ी रहती है तो वहाँ पे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स आते नहीं हैं, कोई ना कोई बीच में आ जाता है, लेकिन आप यहाँ से अच्छे फ़ोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं बैक साइड में ताज है और ये गेटवे ऑफ इंडिया है। अच्छा, सो दिस वीडियो इज़ ओवर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।